हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं बॉबकेट के बारे में। बॉबकेट में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। यदि आप बॉबकेट ऑपरेटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए। यदि आप डोजिंग करते हैं दोस्तों, या ग्रेडर मारते हैं और आरपीएम अपने आप लो हो रहा है, मशीन बंद होने जैसा लग रहा है, तो क्या करें। तो चलिए दोस्तों, आगे का व्यू दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो जाली लगा होता है वो जाली हम सफ़ा कर लेंगे। इससे होगा क्या है कि हम जब डीजल डालेंगे तो डस्ट टंकी में नहीं जाएगा, और वही डस्ट जब डीजल फिल्टर में लगता है दोस्तों या पंप में लगता है तो मशीन का आरपीएम लो होने लगता है। तो सबसे पहले ये जो जाली है हम इसे सफ़ा कर लेंगे। फिर आगे दोस्तों, ये जो पंप लगा हुआ है डीजल पंप, इसे खोल के अच्छी तरह से सफ़ा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे हम खोलते हैं। इंजन गर्म है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा खोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पंप हमने अब खोल लिया है और अब इसे हम अच्छा से सफाई करेंगे। देखिए डस्ट गिर रहा है नीचे, देखिए ये पतला पतला दोस्तों ये डस्ट है, ये टंकी से आकर के फिल्टर में जाम हो जाता है जिससे ऑयल अच्छी तरह से इंजन में नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसे सफ़ा कर लेंगे। और एक दो बार पंप करके फिर से सफ़ा करेंगे। इससे होगा कि जो डस्ट है पंप के अंदर वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। और ये जो पंप है हमारा दोस्तों, ये अच्छी तरह से सफ़ा हो चुका है। तो पंप को उल्टा करके दोस्तों एक दो बार पंपिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि जो पाइप के अंदर डस्ट है वो टंकी में चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उल्टा सेटिंग करेंगे और ये मुंह पर थोड़ा बंद कर देंगे और पंप करेंगे। इससे होगा क्या कि जो एयर है ये पंप के थ्रू अंदर जाएगा और जो पाइप में जो डस्ट है वो डस्ट अंदर चला जाएगा। तो हमने पंपिंग कर लिया है दोस्तों। तो चलिए अच्छी तरह से जिस तरह था उस तरह सेटिंग करते हैं। इंजन गर्म है दोस्तों, इसीलिए सेटिंग करने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो सेटिंग हमारा हो चुका है और दो चार बार पंपिंग करेंगे ताकि हमारा जो पंप है सिकुड़ा नहीं रहे। और पंपिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, अगला बार जो सर्विसिंग हुआ हमारा मशीन, उस टाइम डीजल फिल्टर चेंज नहीं हुआ, जिसके कारण डीजल फिल्टर में भी डस्ट जमा हो चुका है। तो चलिए इसे भी थोड़ा खोल के सफ़ा कर लेते हैं और एयर भी बाहर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो नीचे वाला कैप है इसे हम खोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा खुल चुका है और थोड़ा पंपिंग कर रहे हैं दोस्तों। इससे होगा कि एयर भी बाहर हो जाएगा और डस्ट होगा तो वो भी बाहर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, डस्ट बाहर हो रहा है और इसे हम अच्छा से सफ़ा कर लेंगे।
और दोस्तों ये हमारा सफ़ा हो चुका है, तो चलिए इसे हम अच्छा से टाइट कर लेते हैं। और ये हमारा टाइट हो चुका है। और जाली दोस्तों यदि फटा हुआ है तो नया लगा लें, इससे डस्ट टंकी में नहीं जाएगा। और जाली भी हम सेट कर लेते हैं। और जाली हमारा अब सेट हो चुका है। चलिए इसे लॉक भी लगा दिए हैं और अच्छे तरह से कपड़ा से इसे सफ़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, लोडिंग नहीं लेता है, आरपीएम डाउन होता है, तो क्या करें।